कैसे हो सकता है बाबा? डाकिनी भाग गई। आज तुझे कोई नहीं बता सकता। निकालो मुझे। मन डाकिनी मासी, ये डाकिनी है। आपको ये जो दिखाई दे रहा है सच नहीं है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुमने बहुत अन्याय किया है डाकिनी। एक निर्दोष राजा की हत्या करना, रानी साहिब को कैदी बनाकर रखना और एक संतान को अपनी माँ से दूर रखना, तुम्हें तो जितने दंड दिए जाए उतने कम है। वर्षों से हमें और हमारे महल को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। अब वैसे ये डाकिनी कौन थी? वैसे ये डाकिनी थी कौन? वो हाँ? वो एक काशी थी। आप छोड़िए ना इसे बातों को, आप खुशी मनाइए, आज बहुत खुशी का दिन है। चलो ये खुशी की बात हम माँ से भी साझा करते हैं। चलो माँ। रानी साहब, रानी साहब तो किसी पंडित जी से मिलने गई है, कुछ जरूरी काम था उन्हें। पंडित जी से मिलने गई? पर वो गई कब? वो सिद्ध बाबा ने जब उस डाकिनी को अपने कब्जे में कर लिया तब वो चली गई थी। कल आ जाएंगी। पूरा महल ढूंढ लिया लेकिन पता नहीं मासी कहाँ है। अरे यहाँ तो देखा ही नहीं, देखता हूँ शायद यहाँ मिलेगी। कहाँ ढूंढूं मासी को? मासी आप इसमें? लेकिन कैसे? आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको बाहर निकालता हूं। तुम्हारा पैर थोड़ा सा उधर कर लो। वो कहना कि हमें हाथ पैर फैला करके सोने की आदत है। थोड़ा सा तुम्हारा तकिया दे दिया, तुम्हें जिस तरफ सोना था वो जगह भी दे दी, और अब लो पूरा का पूरा बिस्तर भी दे दिया। खुश? मैं नीचे ही सो जाऊंगी, तुम अपने हाथ पैर फैला कर सो जाओ। अब तुम्हें नीचे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है सुनो। तुम आ जाओ यहाँ पर, हम कम जगह में ही सो जाएंगे।
तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मासूम हो अधराज। उस डाकिनी ने तुमसे तुम्हारा बचपन और बचपना दोनों ही छीन लिया और तुम्हें अहंकारी बना दिया। पर अब नहीं, कल का सूरज उस डाकिनी का अंत और तुम्हारा भाग्योदय लेकर आएगा। और फिर कल की रात मैं पूरी तरह से अपने पति को अपना मानकर अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ूंगी। स्वराज, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, कुछ करो। बिना छुए इसको मासी को बाहर कैसे निकालूं? डाकिनी की शक्तियां समाप्त हो गई होगी ना बाबा? हाँ बेटी, अब वो कितना भी प्रयास कर ले किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। शीशे की बरनी, ये कैसे हो सकता है बाबा? डाकिनी भाग गई। आपने तो रक्षा सूत्र भी बांधा था, फिर उसे किसने खोला होगा? धूर्त डाकिनी ने बहुत बड़ी चालाकी की, लेकिन वो एक गलती कर बैठी। भाग तो गई लेकिन अपना केश छोड़ गई, और यह एक केश पर्याप्त है उसे पकड़ने के लिए। इसका मतलब डाकिनी को फिर से पकड़ना संभव है? हाँ बेटी, क्यों नहीं। जब अम्बे माँ का आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। चल डाकिनी को कैद करते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अग्नि प्रकट हो, अग्नि देवता आप प्रकट हो, मैं आह्वान करता हूं। जय मां काली, महाकाली भद्रकाली कपालिनी। जय मां काली, महाकाली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आजा डाकिनी, धूर्त डाकिनी, जय मांबे, तेरी कृपा हो ना, प्रकट हो डाकिनी, तेरा अंश मेरे पास है। आजा, आजा डाकिनी, आजा।
धूर्त डाकिनी, तू कितना भी प्रयास कर ले, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। जय महाम्बे महाकाली। ये कैसे हो सकता है? मंदाकिनी मासी, ये डाकिनी? निकालो मुझे, निकालो यहाँ से। अधिराज, आपको ये जो दिखाई दे रहा है सच नहीं है। बरनी से बाहर कैसे आ गई? देखा मां आपने, जिसे आप सहेली समझ रही थी वही डाकनी। चलने देखो, चल, चलने देखो। मुझे छोड़कर भाग गई थी स्वार्थी चुड़ैल। हजारों बार बचाया तुम चुड़ैलों को, और जब मेरी बारी आई तो तुम दबाकर भाग गई। हाँ, वो तो अच्छा हुआ स्वराज मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गया, वरना तुम चुड़ैलें तो मेरे विनाश का इंतजार कर रही थी। मुझे मुझे माफ कर दो चंद्रलेखा, मुझे माफ कर दो। क्षमा कर दीजिए हमें बेटा, हमें पता ही नहीं चला कि जिसे हम सहेली समझ रहे थे वो आस्तीन का सांप निकलेगा। पर अच्छी बात तो ये है कि डाकिनी पकड़ी गई, अब सारी परेशानियां दूर हो गई हैं हमारे महल से। मेरी बात सुनो, डाकिनी मैं नहीं हूँ, डाकिनी वो है। बोलो सुनैना, अब क्या करोगे इस डाकिनी के साथ? ये नहीं है असली डाकिनी। क्या ये डाकिनी नहीं है? मतलब सुनैना, बेटा ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे इन्हीं सिद्ध बाबा ने तो इसे पकड़कर शीशे की बरनी में डाला था, तो फिर ये डाकिनी ही होगी ना? हाँ, ये मंदाकिनी। बोलने से पहले जरा अपने आगे पीछे देख लो। तुम ठीक तो हो
कितनी याद आती थी मुझे, नानी तो हमेशा रोती रहती थी, कहाँ कहानी ढूंढा तुम्हें। और आप इस जगह, दीदी ये सब क्या है? हाँ सुने ना, कुछ कह रही थी ना तुम कि वो असली डाकनी नहीं है, क्यों बचा रही हो उसे? देखो अब तो तुम्हारी बहन भी यहाँ आ गई है, हमारे बारे में नहीं कम से कम अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में तो सोचो। महल में सच्ची में डाकनी रहती है? दीदी तुम इस भयानक महल में कैसे रहती थी? डाकनी पकड़ी गई और आज उसे अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। आज बरसों के अत्याचार का अंत होने वाला है। आज हम आसपास के ग्रामीण भी उस दुष्ट डाकनी का विनाश देखने आए हैं। इस राजमहल से डाकनी का 21 साल का राज समाप्त होने वाला है। सच कहा कि सुनैना बिटिया ने बहुत बड़ा काम किया है। ये सब अम्मे माँ की कृपा है। मेरी सुनैना तो लाखों में एक है। बोलो ना सुनैना, तुम क्या बोल रही थी कि ये असली डाकनी नहीं है तो फिर कौन है? बहुत उड़ रही थी ना, पर चंद्रलेखा को पर कतरने अच्छी तरह से आते हैं। इधर तुमने अधिराज को सत्य बताया, उधर तुम्हारी बहन की जान गई। वो औरत जो बरनी में बंद है वो डाकिनी तो है, पर सबसे मुख्य डाकिनी नहीं। सच बताकर मैं अपनी तारा के जीवन को संकट में नहीं डाल सकती, मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। इसे कहीं दूर ले जाकर जला दीजिए ताकि इसका काला साया हमारे राजमहल पे दोबारा ना पड़े। विनाश कर दो इसका। जी। ये माँ कहाँ चली गई? कब से ढूंढ रहे हैं, कब से माँ को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। माँ! अगर अपना मुंह खोला तो हमारी पोल खुल जाएगी। और तुम भी तो यही चाहती हो ना कि अधिराज को ये पता ना चले कि तुम एक चुड़ैल हो। पर चुप कैसे बैठे, माँ है वो मेरी। रानी माँ कुछ कीजिए, बचाइए मेरी माँ को, उन्होंने बरसों तक आपकी सेवा की है, बचा लीजिए मेरी माँ को। अधिराज! अधिराज, अधिराज हमारी माँ को छोड़ दीजिए, मत मारिए अधिराज, छोड़ दीजिए हमारी माँ को। अपने आप को संभालो कनक, तुम्हारी माँ एक डाकनी है, उन्होंने इस महल पर इस राज्य पर बहुत अत्याचार किए, अब उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। अधिराज, अधिराज, अधिराज आपको मेरी माँ को आजाद करना ही होगा। अधिराज,
अधिराज मेरी माँ को छोड़ दीजिए अधिराज। उनके बारे में सच जानते हुए भी तुम उन्हें आजाद करने की बात कर रही हो? कहीं तुम इनका सच पहले से तो नहीं जानती थी? या फिर तुम उनकी किसी योजना का हिस्सा थे? बोलो। बेटा, हमें पता है, कनक को भी हमारी ही तरह अपनी माँ की सच्चाई के बारे में अभी ही पता चला होगा। डाकिनी ही सही, पर है तो इसकी माँ ना, तो बेटी को दर्द तो होगा ना इसकी माँ के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई जानकर। हमें कुछ नहीं पता अधिराज। हाँ, हमें किसी योजना के बारे में नहीं पता। बस हमारी माँ को छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए अधिराज, हमारी माँ को छोड़ दीजिए। कनक, इस डाकिनी ने, हमारा मतलब है तुम्हारी माँ ने सबके साथ बहुत बुरा किया है, तो इसे तो दंड देना ही होगा। ले चलो इसे। जी